हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रिकल डायग्राम रीड करना सिखाऊंगा, वो भी पांच स्टेप्स में, आसान पांच स्टेप्स। तो देखते रहिए वीडियो। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे सामने, ये एक डायग्राम मैंने खोली हुई है अपनी ही कंपनी की। ये प्रिंटिंग मशीन की डायग्राम है और रिजानी मशीन है, ये इटली का मेक है। और स्टेप वन में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने डायग्राम को रीड करने से पहले उसके सिंबल्स को गो थ्रू ज़रूर करना है। और सिंबल्स जो है वो डायग्राम के स्टार्टिंग में होते हैं, यानी कि यहाँ पे ये मैंने डायग्राम की स्टार्टिंग ही है, डायग्राम की शुरू की है, चौथा पेज है, आप देख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये सारे सिंबल इन्होंने यहाँ पे शो किए हुए हैं। आप सबसे पहले इन सिंबल्स को गो थ्रू जरूर करें। ये थ्री फेज मोटर का, ये सिंगल फेज का है, ये थ्री फेज इलेक्ट्रोफैन यानी कि जो मोटर के ऊपर फैन लगा होता है उसका सिंबल दिया हुआ है। ये इनकोडर है, ये रिजॉल्वर है, और इसी तरह ये सारे सिंबल्स इन्होंने शो किए हुए हैं। इस पेज पे भी आप देख सकते हैं, रेजिस्टेंस है, पोटेंशियोमीटर है, डायोड है, और अर्थ का सिंबल भी दिया हुआ है। तो ये सब सिंबल्स आप एक दफ़ा गो थ्रू ज़रूर कर लेंगे। ब्रेकर है, आप देख सकते हैं। तो ये सब सिंबल्स आपको गो थ्रू करना ज़रूरी है। पीएलसी आउटपुट, पीएलसी इनपुट ई से है, पीएलसी आउटपुट ए से है, ठीक है। वोल्ट मीटर वी, एम मीटर ए, वॉट मीटर डब्ल्यू, आर मीटर एच। फोटो सेल भी यूज़ हो रहे हैं इस डायग्राम में, तो इसको भी ज़रूर देखना। ये वार्निंग लैंप है, वार्निंग लैंप मीन्स दैट के कोई इमरजेंसी वगैरह लग जाती तो ये लैंप ग्लो करेगा, तो ये भी सिंबल यूज हो रहा है। ये कनेक्टर का सिंबल है, ये भी ज़रूर देखें आप। स्टेप टू में आपको पेज नंबर और पेज की कंस्ट्रक्शन ये बताऊंगा कि किसी भी डायग्राम को पढ़ने से पहले आप उसके एक बार रूल्स फॉलो कर रहे हैं कि वो किस तरह पेज को डिफाइन कर रहे हैं। जैसा कि अभी मैंने पहले स्टेप में एक पेज खोला हुआ था, ये पेज है, इस पेज में वो डिफाइन कर रहे हैं कि ये इस सेक्शन को कहाँ से डिफाइन कर रहे हैं कि ये वायर नंबर है, ये पहला कोड, दूसरा कोड जो है वो अलग हैसियत रखता है, और तीसरा जो है वो अलग हैसियत रखता है। और एक और चीज़ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा। जैसा कि ये पेज मैंने खोला हुआ है, आप देख सकते हैं इस पेज का कोड जो है वो 00001, ये पेज नंबर है। और ये आप देख रहे होंगे साइड्स में, ये लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे ये न्यूमेरिक्स, और ये ऊपर ये जो अल्फाबेट्स हैं ये क्या हैसियत रखते हैं। इनकी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है डायग्राम के अंदर। तो फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस ब्रेकर की बात करता हूँ, तो ये ब्रेकर इस पेज पे D2 की लोकेशन रखता है, D2। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है किसी भी पेज पे किसी भी सिंबल को पढ़ने का। आप इस पेज पे जो दिया हुआ है ये ऊपर अल्फाबेट्स और ये साइड में न्यूमेरिक्स, ये इसी की बात की निशानदेही है कि ये जो सिंबल है ये इस पेज पे इस जगह लाई करता है। अब आप फॉर एग्जांपल आपकी मशीन में कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है, और आपने अपना वो मसला डायग्राम के अंदर ढूंढना है, तो आप उसे कैसे ढूंढेंगे। तो इस स्टेप में मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने उस पेज पर कैसे जाना है।
फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपके पास प्रॉब्लम आती है एमरजेंसी लूप की, यानी कि किसी ने एमरजेंसी पुश बटन प्रेस कर दिया है, ठीक है, और आपके पास एच एम आई में एरर आ रहा है कि एमरजेंसी पुश बटन प्रेस हुआ है। आपने पूरी मशीन पे जो है वो चक्कर लगाया और देखा कि कोई बटन प्रेस नहीं है यार यहाँ पे, तो और ये मसला क्या हुआ है। तो आप इस मसले को डायग्राम के ज़रिए ढूंढेंगे, और वो कैसे ढूंढेंगे मैं आपको सिखाता हूँ कि सबसे पहले आप जाएंगे इंडेक्स में, ये हमारा इंडेक्स है, ये इंग्लिश वर्जन है, और इसमें आप देख सकते हैं अपने कंसर्न पॉइंट को ढूंढने की कोशिश करते हैं। 24 स्टैंडर्ड पीएलसी फ्यूजन, 24 ऑक्सिलरी हेड कंट्रोल, ये है सेफ्टी सर्किट, आप यहाँ देख सकते हैं सेफ्टी सर्किट। इस मशीन के जो मेकर है, डायग्राम का मेकर है, उसने एमरजेंसी लूप को सेफ्टी सर्किट के नाम से डिस्क्राइब किया है। तो अब आपने उस पेज पे जाना है, इस स्टेप में हम सीख रहे हैं कि हमने उस पेज पे जाना कैसे। तो ये आप साइड में देख रहे होंगे कि ये कोड दिया हुआ है 0007। तो ये कोड वही पेज नंबर है जो मैं आपको इससे पहले स्टेप टू में डिफाइन कर रहा था कि कैसे आपने इस पेज पे जाना है। 0007 देखिए, हम इस पेज पे जाएंगे। ये है वो पेज जो मैं आपको इंडेक्स में दिखा रहा था। इस पेज में आप डायग्राम देख सकते हैं। अब आपने यहाँ पे वो अपना पॉइंट, अपने जो एमरजेंसी पुश बटन है वो आपने फाइंड आउट करना है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो ये सिंबल्स से मैंने आपको स्टेप वन में बताया कि आपने सबसे पहले सिंबल्स को गो थ्रू करना है। आपने जब सिंबल्स को गो थ्रू कर लिया तो आपको डायग्राम पढ़ने में कोई मुश्किल नहीं होगी। आप सिंबल्स के सेक्शन में दोबारा चले जाएंगे, वहाँ देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं आपको बता दूँ कि ये एमरजेंसी पुश बटन लगे हुए हैं, नहीं भी तो अगर आप जिस भी आपके पुश बटन में या एमरजेंसी पुश बटन में प्रॉब्लम आ रही है तो उसके पीछे जो उसके ऑक्सिलरीज लगे हैं उस पर उसका टैग लगा होता है, तो उस टैग को आप पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल उसके पीछे लिखा हुआ है SBA 3.30, तो आप फॉर एग्जांपल उस एमरजेंसी पुश बटन में मसला है, आपने वो डायग्राम में देखना है, तो वो कंसर्न जो पुश बटन है वो ये है। तो अब आप अपने उस सेक्शन पे, उस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं जहां पे आपको मसला है। स्टेप 5 में हम इंटरलॉकिंग सीखेंगे, और ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने ये पॉइंट सीख लिया या ये टेक्निक इंटरलॉकिंग की सीख ली, मतलब आपने डायग्राम पढ़ना ही सीख ली, ठीक है। तो मैंने आपके सामने ये डायग्राम खोली हुई है। फॉर एग्जांपल जैसा कि मैंने आपको अपनी प्रैक्टिकल एग्जांपल दी, हमारे साथ अक्सर मसला आता है ये मशीन पर कि भाई एमरजेंसी लूप जो है वो एमरजेंसी का जो है मसला आ रहा है, तो हम इसी स्टेप्स को फॉलो करते हैं कि हम या तो उसका टैग देखते हैं या हम पता होता है यार नहीं जाना भाई इतने मतलब गहराई के अंदर, हम डायरेक्ट जाते हैं पैनल के अंदर, देखते हैं भाई कि यार एमरजेंसी लूप का हमने पहले सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ चेक किया। चलो चला, इससे पहले मैं आपको ज़रा समझा दूँ कि ये कैसे काम कर रहा है। ये जो सारे पुश बटन्स हैं ये सीरीज में लगे हैं, और ये नॉर्मली क्लोज स्विच है, ठीक है। नॉर्मल क्लोज स्विच का मतलब ये है कि सारी सप्लाई जो है यहाँ से लूप हुई है,
एंड तक, ठीक है, यहाँ से इस सेक्शन से आपने एक पीएलसी को इनपुट दे दी, हेल्थ आ रही है कि भाई हाँ ओके है, लूप ओके है, एक यहाँ से उठा के दे दी कि भाई हाँ ओके है, सिस्टम यहाँ ओके है, ठीक है। और इस सिंबल को भी आप देख सकते हैं, ये सिंबल जो है वो कोई की स्विच लगता है, और जैसे कि पैनल में की दी होती है कि अगर आप ये की लगाएंगे तो मशीन चलेगी, तो ये की स्विच दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल ये की स्विच भी प्रेस है, और ये यहाँ पे सप्लाई जा रही है। तो फॉर एग्जांपल अब मैं आपको सिखाता हूँ कि किस तरह हम ट्रबल शूट करते हैं मशीन पर मसला। तो ये 24 वोल्ट यहाँ से आ रहे हैं, दिया हुआ एरो आपको शो कर रहा है कि ये इस तरफ आ रहे हैं, तो आपने देखा कि ये 00A5G5 से आ रहा है, आपने देखा यानी कहाँ से आ रहा है, 00A5G5 पे आप जाएंगे, ये 00A5G5 पेज है, G5 ये जी है और ये 5 है, ये जगह है जहाँ से उस सेक्शन पे वोल्टेज जा रहा है। ये ब्रेकर है, इस ब्रेकर की भी हेल्थ जा रही है पीएलसी पे, ये ब्रेकर अगर ट्रिप हो जाएगा तो पीएलसी एक अलार्म जनरेट कर देगा कि आपका ब्रेकर ट्रिप हो गया। तो हम अपने ट्रिप से उस स्टेप पे जाते हैं, उस पेज पे जाते हैं, तो ये वो पेज है यहाँ पर थे। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 24 वोल्ट आ रही हैं, यहाँ पे आपने सबसे ये कनेक्टर स्ट्रिप है X03, ठीक है, ये भी कनेक्टर है, ये भी कनेक्टर है, सारे कनेक्टर्स हैं। ये जो डिवीजन की हुई है इस डायग्राम की सबसे अच्छी बात ये है, मशीन का हिस्सा कौन सा है और पैनल का हिस्सा कौन सा है और मशीन पे कौन सा है, ये वो जगह है जो मशीन के ऊपर है और ये वो जगह है ऊपर वाली जगह जो कि पैनल के अंदर है। तो पैनल के अंदर ये कनेक्टर्स मौजूद हैं, ये की भी पैनल के अंदर है, ये पीएलसी की इनपुट भी पैनल के अंदर है, ये भी पैनल में है, ये भी पैनल के अंदर है, पैनल से निकल के ये बाहर जा रहा है मशीन पे, तो इमरजेंसी स्विच पे, फिर ये दोबारा पैनल के अंदर आ रहा है, फिर दोबारा ये दूसरे कनेक्टर से निकल के फिर दोबारा उस पर जा रहा है, ये इस तरह एक लूप बना हुआ है। तो हम पैनल के अंदर ही बैठते हैं, ठीक है, पैनल के अंदर बैठ के हमने ये इस जगह पे देखा सबसे पहले कि भाई 24 वोल्ट आ रहे हैं, हाँ भाई आ रहे हैं, फिर यहाँ देखा हाँ भाई आ रहे हैं, आगे आते आते हमें यहाँ पता चला कि यार यहाँ पे इस जगह पे वोल्टेज नहीं आ रहा, इस जगह पे वोल्टेज नहीं आ रहा। तो हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है तो यहाँ नहीं आ रहा, तो हम क्या करते हैं, या तो अगर हमारे पास स्टॉक एमरजेंसी पुश बटन अवेलेबल है तो हम वो लगा देते हैं, उसकी ऑक्सिलरी ब्लॉक्स लगा देते हैं, और अगर हमारे पास अगर अवेलेबल नहीं है तो हम डायरेक्ट यहाँ से एक वायर जो है लगा के बाईपास कर देते हैं, किसी भी मसले को हल करते हैं। और ये वो 5 ईजी स्टेप्स हैं जिस पर आप जो है किसी भी मसले को हल कर सकते हैं या फिर इलेक्ट्रिकल डायग्राम को रीड करना सीख सकते हैं। आप मेरी वीडियोस लाइक करें, शेयर करें प्लीज़, और मैं इसी तरह की वीडियोस बनाता रहूँगा। और आने वाले वक्तों में मैं इन्वर्टर पर भी काम करूँगा और जो डेली बेसिस पर मैं मसले हल कर रहा होता हूँ अपनी मशीन पर, वो मैं इंशाल्लाह ज़रूर वीडियो डालूँगा। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब